लालकुआ में कोरोना महामारी पार्ट टू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान द्वारा की गई मांग पर जिला प्रशासन द्वारा अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर स्थित आवासीय योजना के तहत बने 100 भवनों का निरीक्षण किया गया, जिसे कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाने को लेकर शासन को रिपोर्ट भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान द्वारा लालकुआ बिंदु खत्ता सहित इसके आसपास के इलाकों में निकल रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को उचित उपचार हेतु कोविड सेंटर बनाने की मांग उन्होंने यहां कोविड सेंटर अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 की स्थिति आवासीय योजना के तहत बने 100 भवनों में बनाने की है। वहीं उनकी मांग पर उप जिलाधिकारी जस सिंह ने बने 100 भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान भाजपा नेता पवन कुमार, रजिस्ट्रार कानूनगो मोहित वोरा, नगर पंचायत कर्मी सोनू भारती, मनोज वर्गली, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मनोज आर्य मौजूद रहे। इस दौरान उप जिलाधिकारी जस सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस कर्मी सहित सभी लोग इस समय चल रही कोरोना पार्ट टू की स्थिति से निपटने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उन्होंने इसी को लेकर शासन के निर्देश पर लालकुआ में 2 कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें लोगों का उपचार किया जा रहा है। हम लोगों ने देख लिया है, तो चूंकि हमारी नज़र में है और जैसी भी आवश्यकता भी हमारे पास मोतीनगर, मोटा हल्दू 2 कोविड केयर सेंटर हैं, जिसमें हमारे पास पर्याप्त स्थान है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसे भी उपयोग में ले लिया जाएगा। 100 सेट का मतलब 200 लोग, 300 लोग इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारी यहाँ बिंदु खत्ता, लालकुआ और हल्दू चौड़ नज़दीक का जो क्षेत्र है उसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है, तो ये उपयुक्त स्थान है, नज़दीक है, शहर के एकांत बाहर भी है और नज़दीक भी है, ये बस्ती भी कोई नज़दीक नहीं है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुविधा अनुसार हैं, बढ़िया हैं। मैंने प्रशासन को कहा, प्रशासन ने इसको संज्ञान में लिया है और आज सर्वे इसका कर लिया है। लालकुआ से धर्मेंद्र आर्य, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।